नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार पर आधारित एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की जो जानकारी है काफ़ी खास होने वाली है, वैसे लोगों के लिए जो कम पूंजी में अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं और देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं। अभी दोस्त मैं हूँ मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के एक गाँव में, जहाँ पर लगभग 1800 देसी मुर्गी का पालन हो रहा है, मांस के लिए नहीं है, अंडे के लिए। देसी मुर्गी की जो भी प्रजातियाँ होती हैं, रंगीन मुर्गियों की जो भी प्रजातियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होता है WFG प्रजाति का होता है, जिसे क्रॉयलर भी कहते हैं, क्रॉयलर WFG भी कहते हैं। तो ये फार्म जो है WFG क्रॉयलर का ही है। बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सब लोगों के पास लेयर फार्मिंग के लिए पैसा नहीं होता है। अगर लेयर फार्मिंग मिनिमम भी करने जाएंगे तो 25 से 30 लाख रुपये आपको लगना ही लगना है। उतना पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आसानी से आप देसी मुर्गियों पर काम करके अंडा उत्पादन करके अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, और उसका बहुत बढ़िया मार्केट है। मीट का भी बहुत बढ़िया मार्केट है और अंडे का भी बहुत बढ़िया मार्केट है। तो बहुत सारी बातें होगी इस विषय पर जो आपको भी क्लियर होगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले स्वागत है अभिषेक जी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी हमारे फॉर्म पर स्वागत है। तो ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ अभिषेक जी, वो कौन सा जगह है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये मेथुआ नगर कोदकट्टा गाँव मोतीपुर प्रखंड जिला मुजफ्फरपुर बिहार के अंतर्गत है। आपका जो फार्मिंग है WFG पर ये फार्मिंग कर रहे हैं अंडे के पर्पज़ से, तो आपने WFG को ही क्यों चुना? WFG एक्चुअली ये मीट के लिए भी है और ये एक रिसर्च में एक अंडा उत्पादन किया जा रहा है। तो होता क्या है कि बाद में जो जनरल अंडे के लिए जो मुर्गी रखा जाता है, वो अंडा उत्पादन के बाद जब ख़त्म हो जाता है उसका उत्पादन, तब उसको पीस पे बेच दिया जाता है। लेकिन इसको आप मीट में बेच के भी वहाँ से भी आप कमाई कर सकते हैं। जानना चाहूँगा, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि WFG का अभी जो आपने फार्मिंग किया है, ये कितने दिन का भी हो गया है ये बर्ड आपका? ये बर्ड मेरा लगभग 4.5 महीने का हो गया है। अंडे कब देगी ये अंडे? 5 से 5.5 महीने में अंडे देना, अंडा उत्पादन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले एक्सपेरिमेंट भी आप किए हैं? हाँ, इसे मैंने 5-6 बर्ड रख कर उसका एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था। तो उसी को देख करके आपने बड़े पैमाने पर इसको शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो 5 महीने के बाद ये अंडा देना शुरू करती है? नहीं, लगभग 5.5। 5.5 में? जी हाँ। तो एक साल में लगभग कितने अंडे देती है ये WFG? 260 के आसपास। बहुत सारे हमारे युवा जो इसको करना चाहेंगे तो मीट पर्पस भी करना चाहेंगे, तो अगर बात करें मीट पर्पस में, तो कितने दिन में ये KG वेट पकड़ लेता है? ये लगभग 30 से 35 दिनों में 1.5 KG के आसपास आ जाता है। 1.5 KG का जब आ जाता है, मांस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1.5 KG का जब आ जाता है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होती है? मार्केट में 150 से 200 रुपये प्रति KG ये बिक जाता है आसानी से। आसानी से बिक जाता है, यानी कि ब्रॉयलर से ज़्यादा महंगा बिकता है? जी हाँ, जी हाँ, जी। एक और प्रजाति है सोनाली, वो थोड़ा सा महंगा वो बिकता है, लेकिन उसका वजन जो है ना थोड़ा सा समय लेता है। तो सोनाली और इसमें क्या अंतर है? उसका बॉडी वेट जितने कम टाइम में ये बॉडी वेट गेन करता है, उतने टाइम में वो बॉडी वेट गेन नहीं कर पाता, इसलिए ये सोनाली की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। तो इसको खाने में अभी क्या दे रहे हैं अभिषेक जी? खाने में इसको लेयर फीड चल रहा है। लेयर फीड? जी हाँ। और भी जो आर्टिफिशियल जो खुद का जो होममेड जो फीड होता है, वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? जी नहीं, तो फिलहाल लेयर फीड ही देंगे। जब अंडा पड़ा जाएगा उसके बाद भी लेयर फीड देंगे? जी हाँ, जी हाँ। जब ये चूजा था उस समय क्या दिए हैं और अब क्या दे रहे हैं? स्टार्टिंग में इसको प्री स्टार्टर बॉयलर का मिला था, उसके बाद इसको लेयर के इसका रख रखाव लेयर की तरह लालन पालन लेयर का है, इसलिए इसको फीड भी लेयर का ही दिया जाता है। बॉयलर के फीड में क्या होता है कि बॉडी वेट ज़्यादा गेन करता है, और इसमें ज़्यादा बॉडी वेट गेन नहीं कराना। अभी मैं देख रहा था आपके फार्म में, तो सबके जो चोंच जो होते हैं वो कटे हुए हैं, ये क्यों? चोंच इसलिए काट दिया गया क्योंकि ये एक तरह का देसी नस्ल है, जिसके कारण एक दूसरे को वो चोंच बड़ा हो जाने के बाद वो डैमेज करता है, इसलिए इसका चोंच कटना ज़रूरी होता है, इसलिए उसका चोंच आप काट दिए? जी हाँ, जी। तो अभी 15 दिन के बाद ये अंडे देगी? जी। तो अंडे देगी तो ये फर्टाइल होगा या अनफर्टाइल है? इसका अंडा जो होगा फर्टाइल होगा। तो आपके पास जो मुर्गियाँ हैं, इसमें से नर कितने हैं और मादे कितने हैं? इसमें से मादा मुर्गी हमारे पास लगभग 1500 है, 350 के आसपास हमारे पास जेंट्स हैं। नर जो है 350 है और मादा 1500 है? जी हाँ। अभिषेक जी, अब एक बात मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि WFG को मांस के पर्पस फायदेमंद है पालना या अंडे के पर्पस? दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। मांस के पर्पस से अगर पाल रहे हैं तो ये आपका रोटेशनल हो गया,
लेकिन एक पर्पज से अगर पाल रहे हैं तो ये लंबे समय के लिए हो गया और कम पूंजी में कम लागत के लिए आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से 200, 400, 500, 1000, 2000 जैसे करना चाहें वैसे आप पाल सकते हैं। तो इसका अंडा जो निकलेगा वो उसका रेट क्या होगा? इसके अंडे का रेट लगभग 8 से 10 रुपये होंगे। यानी कि जो लेयर फार्मिंग का जो अंडा है उससे तो महंगा ही। जी हाँ जी हाँ। और इसके मार्केटिंग में कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, इसके मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मांस के मार्केटिंग में? मीट के मार्केटिंग में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अभिषेक जी, मैंने फार्म को आपका घुमा है तो देखे कि 3 इसमें पार्ट किया हुआ है, ये क्यों किए हैं आप? 3 पार्ट इसलिए मैंने किया है क्योंकि ज़्यादा संख्या में जब मुर्गी होता है, क्योंकि इसको दाना टाइम से मिलता है, टाइमली दाना दिया जाता है, और जिसके कारण होता क्या है कि सारा मुर्गी एक बार में झुंड लगाता है, ठीक है, इसके कारण से पार्ट बाई पार्ट कर दिया गया है, क्या कि झुंड कम लगे मुर्गियों, आपस में लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। तो कब इसको खाना देना होता है, कब लाइट की देनी होती है वगैरह वगैरह, थोड़ा सा हम दर्शकों को बता दीजिए। इसको खाना मॉर्निंग में सुबह में दिया जाता है और 3-3.5 के आसपास इसको दाना दिया जाता है, और लाइटिंग टाइम के अकॉर्डिंग है। लाइटिंग आपका शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सुबह में 4 बजे से लाइट इसका स्टार्ट हो जाता है। अब सघन पालन हो रहा है अभिषेक जी, तो बीमारियां आनी तय है, कोई ना कोई बीमारी आ गई, तो क्या इसमें वैक्सीनेशन वगैरह भी होता है क्या? इसका वैक्सीनेशन होता है, लेकिन इसके ये जो बर्ड है इसमें बीमारी का खतरा कम रहता है क्योंकि इसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत कोई खास नहीं है, 1-2 वैक्सीन है जो रोटेशन में चलता है। अभिषेक जी, आपके पास 1800 FFG का ये फार्मिंग है, इसको करने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ी? और एक और चीज़ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके लिए कितनी एरिया की ज़रूरत आपको पड़ी? मुझे इसके लिए 130 फीट लंबाई, 25 फीट चौड़ाई का मेरा फार्म है, और ये फार्म इसके लिए सफिशियंट है। इसके लिए एक बर्ड को कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। और लागत कितना लगा था आपको शुरुआत में? मुझे कंस्ट्रक्शन के अलावा मुझे इसमें लागत लगा है लगभग 6 लाख के आसपास, 5.5-6 लाख के। अभी तक 6.5 लाख रुपये लग गया? नहीं नहीं, अभी तक लगा नहीं है, इंड तक लग जाएगा। इंड तक लग जाएगा, अंडा देने की स्थिति में जब आ जाएगी उस समय तक 6.5 लाख रुपये आपका इसमें लग जाएगा। 6 लाख। तो दोस्तों, आपने सुना बहुत सारी बातें अभिषेक जी ने बताई, और दोस्त FFG करने से पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है 5 FFG के बर्ड पर, और अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। 80% से 100% तक इनको रिजल्ट मिला है, तब जाकर के इन्होंने बड़े पैमाने पर करने की सोची है। और एक बढ़िया प्रयास है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो आसानी से आप FFG या सोनाली पर ये काम करके आसानी से 2 पैसे कमा सकते हैं, अगर अंडा पर्पज़ काम करना चाहते हैं तो। चूँकि देसी मुर्गी है तो देसी मुर्गी के अंडे के मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होती है, मांस के मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी जो सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका 100% आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज की जानकारी आज की वीडियो में यहीं तक, आगे अपडेट जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।